मोनिशा भाई, तुमको पबजी लाइट ने क्या दिया? दोस्त दिए। अरे यार, इसका हमेशा से यही बहाना रहता है भाई, हमेशा ये ऑफलाइन हो जाएगा, इसका पता नहीं कब नेट सुधरेगा। यार मैं तो परेशान हो गया इसको जोन में ले जाते। भाई जल्दी आओ ना भाई, मार देगा ये भाई, रिवाइव दो भाई। अरे आ रहा हूँ भाई। अरे यार देख लो भाई, तुमको बचाने चक्कर मैं भी मर गया और खुद का एक नाम दिया। अरे हेलो ऑल पे मोस्ट के वाईटी भाई, रियल वाले हो क्या भाई? माइक ऑन करो यार। भाई मैं तुम्हारी हर वीडियो देखता हूँ, बिग फैन भाई, मेरा रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट कर लोगे भाई? भाई कर लो भाई। और वापिस क्या लिया? सब कुछ शायद। भाई कितने दिन हो गए ना यार, पबजी मोबाइल ऐड नहीं खेले, मतलब गेम ही नहीं खेले साथ में। चलना खेलते हैं। अबे यार अभी टाइम नहीं है, बाद में खेलते हैं। अब किस देखो, आप लोग को पता ही होगा कि अपने पबजी मोबाइल ऐड में ना 0 MB का अपडेट आया था। अब ये अपडेट आने के बाद ना रिसेंटली कई सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई, बट मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि गाइस देखो 0 MB के अपडेट में तुम भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या ही आएगा, कुछ भी नहीं। ना ही कोई चेंजेस हुए, ना ही विनर पास में चेंजेस हुए, ना ही 5BC में हुए, ना ही सीजन में चेंजेस हुए, तो मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाई। बट अगर 0 MB का अपडेट आया ही था और ऑफिशियल ने अपडेट दिया था, तो उसमें क्या चेंजेस करने को मिलेंगे? अब डाटा माइनर्स और लीक्स जो भी प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि मेरे को बताई, जो कि तुम्हें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो यार जान लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, छोटी सी खुशी की बात भी हो सकती है और दुख की बात भी हो सकती है। गाइस आज ना हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें गाइस लिटरली तुमको सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करके ही ना 550, मतलब गाइस 550 रुपीज ले सकते हो, वो भी 1 रुपए लगाए बिना। क्यों तुम भी हैरान हो गए ना? तो गाइस देखो, इस एप्लीकेशन का नाम है विंजो, जो कि तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगी, तो जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करते ही गाइस कोई न्यू नंबर हो सकता है, अगर तुमने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो नहीं, कोई नया नंबर ले सकते हो। अब कई सारे दोस्त होते हैं, उनका नंबर ले लेना और यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद गाइस आप लोगों को कई सारे फ्री गेम्स मिल जाएंगे, तो गाइस आराम से फ्री गेम्स को खेलना। और जैसे तुम इन फ्री गेम्स को खेलते हो और उनको कंप्लीट करते ही गाइस यहाँ पे आप लोग को 550 रुपीज मिल जाएंगे, जिनसे गाइस आप लोग पेड गेम्स भी खेल सकते हो। और गेम में ज़्यादा टफ नहीं है भाई, एकदम सिंपल सिंपल से गेम्स हैं, तो आप लोग जाके खेलो उनसे। गाइस आप लोग ना भाई अपना रिचार्ज भी कर सकते हो और उसे विड्रॉल भी कर सकते हो, और विड्रॉल भी बहुत ईजी है। तो सोच क्या रहोगा, इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो विंजो। सो गाइस रिसेंटली अभी कई सारी पबजी वर्ल्ड के ऑडियंस को यही नहीं पता था कि अपने पबजी वर्ल्ड में एक 0 MB का अपडेट आया था। अब गाइस देखो, ये अपडेट आने के बाद ना मैं सबसे पहले यही चेक करने गया कि गाइस क्या हमारा यहाँ पे जो सीजन था उसमें कोई चेंजेस हुआ? नहीं गाइस, उसमें चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद सीजन से कुछ छेड़खानी करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने 5PC को भी चेक किया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं थे और विनर पास में भी कोई चेंजेस नहीं, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बट गाइस रिसेंटली आखिरकार ये 0 MB का अपडेट आया है, तो ये पबजी वर्ल्ड वाले अपने खुद से तो नहीं दे देंगे, कोई ना कोई बंदा इस पे तो इंप्लीमेंट करेगा, डालेगा, तभी ये अपडेट आएगा। बट गाइस तुम ये सोच सकते हो कि 0 MB का जो अपडेट आया है, इसमें कोई मैप मोड कुछ भी तो आ नहीं सकता, हो सकता है बस एक ही चीज, जो कि अंदर की फाइल्स के साथ छेड़खानी। और गाइस हां, अंदर की कोई फाइल के साथ छेड़खानी की गई है। और गाइस अगर चेंजेस की बात की जाए, तो गाइस पबजी मोबाइल के जो बीटा और ग्लोबल वर्जन है, उसमें बस लास्ट के वर्जन पे डिफरेंस समझ में आ रहा था, और उसी के साथ साथ पबजी मोबाइल में और कोई डिफरेंस तो समझ में नहीं आया था। अब काफ़ी छानबीन करने के बाद मेरे को कॉमन सी कुछ चीज़ें मैच में देखने को मिली, और उसके बाद कुछ जो भी डाटा माइनर्स और लीक प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी, जो कि गाइस सुन के मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। अब गाइस देखो, जो भी ये 0 MB का अपडेट आया था ना, इस अपडेट के बाद गाइस एशिया सर्वर पे कुछ उन्होंने फाइल्स वगैरह लगाई थी। अब ये क्या लगाई भाई, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाँ इसके बाद से तुम्हारा जो सर्वर था, मतलब कि गाइस एक तरीके से कह सकते हो, पिंग कह सकते हो, जो भी आपका नेटवर्क था, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा आने लगा। मतलब कि लिटरली जहाँ पे मेरे को 60-70 की पिंग मिल जाती थी, अब गाइस पता नहीं क्या हो गया है, मेरी 120-180, मतलब पिंग थोड़ी हाई ही जाने लगी है उस अपडेट के बाद। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या गड़बड़ हो गई उनसे पता नहीं, मतलब कुछ सुधारने की कोशिश की होगी और फिर से गड़बड़ कर दी गई होगी। बाकी गाइस एक चीज़ तो मुझे नोटिस करने में बहुत अच्छा लगा कि गाइस अगर TDM अगर अब के टाइम पे खेलता हूँ ना, तो गाइस पहले के टाइम पे भाई हर मैच में चारों
बंदे हैकर मतलब सब कोई फाइल लगा के आते थे, बट अभी के टाइम पे अगर एक मैच की बात की जाए तो तुम्हें मुश्किल से एक मिल जाएगा या फिर दो तीन मैच में एक मिल जाएगा। मतलब ये तुम कह सकते हो कि भाई हाँ थोड़े से हैकर जो थे उनकी वैल्यू कम हुई है, बट अब इसके कारण ये नहीं समझ सकते कि नहीं भाई ये सब हट रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई पबजी मोबाइल के कई सारे ऑडियंस गेम खेलना छोड़ चुके हैं, इस कारण भी गाइस काफ़ी ज़्यादा गाइस कम हो सकते हैं ये चीटर्स। बाकी अगर बात की जाए दूसरी सब चीज़ों की तो गाइस देखो 0.28 का जो अपडेट हुआ है ना गाइस उसमें मेरे को कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि भाई कोई भी चीज़ें चेंजेस होंगी, कुछ भी बड़ा होगा, क्योंकि इतने साल से जो ये वेट कर रहे हैं कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। बट हाँ ये छोटी मोटी सी चीज़ें कर देते हैं कभी कभी कि लगता है कि भाई हाँ उम्मीद जग जाती है और थोड़ा सा भाई इनसे उम्मीद बढ़ाते हैं, बट भाई फिर से वही उम्मीद पे हमारे पानी फेर देते हैं। बाकी गाइस तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर अभी के टाइम पे कोई अपडेट दे भी देते हैं ना तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि गाइस देखो अभी के टाइम पे अगर ये कितना भी अच्छा अपडेट ला देते हैं, हाँ अगर काफ़ी अच्छा अपडेट लाते हैं तो ये काफ़ी सारी ऑडियंस वापसी कर सकती है, बट वो उम्मीद नहीं है। अगर ये गेम को सुधारते भी है ना तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका आप में से कई सारी ऐसी ऑडियंस जो कि गेम को छोड़ के जा चुकी है, यहाँ तक कि मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं और आपके भी कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आज कम से कम नहीं तो भाई सालों से, मतलब मैंने फ्रेंड लिस्ट चेक की वो सालों से ऑफलाइन है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई आईडी में 50,000 लगाएं 60,000 लगाएं कितने भी पैसे लगाएं, वो यही सोच रहे हैं भाई डूब गए पैसे, मतलब वो अभी आईडी भी खोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम समझ सकते हो कि भाई पबजी वर्ल्ड ने कितना ज़्यादा गाइस मतलब इनके साथ भाई कैसी कैसा चीज़ें किया है कि भाई ये खेलना ही नहीं पसंद कर रहे हैं गेम को। और गाइस जहाँ तक रही बात नहीं अपडेट की तो तुम्हें भी पता है यार नए अपडेट में हम हमेशा उम्मीद लगा के रखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ ये नया करेंगे चेंजेस देंगे, बट इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब गेम जब से बैन हुआ तब से भाई बाकी कंट्री में इसमें तो अनबैन है बट ये कुछ खास नहीं करते हैं। और गाइस देखो तुम लोग को एक बात बताता हूँ, मैंने रिसेंटली कुछ मतलब एक मंथ पहले एक वीडियो डाली थी पबजी वर्ल्ड के सर्वर शट डाउन को लेकर, जिसमें कई सारी ऑडियंस ने ये भी रिप्लाई करके बोला कि भाई अगर सर्वर शट डाउन करने नहीं होते तो गेम जब इंडिया में बैन हुआ तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, तब जाके वो इसको बंद कर सकते थे, बट आज के टाइम मतलब 3-4 साल बीत चुके हैं गेम में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं फिर भी इसके सर्वर क्यों ऑन रखें, क्यों इन फ्यूचर इनको कहीं ना कहीं इस गेम को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा, आगे बढ़ाना होगा या फिर ध्यान देना होगा, कुछ भी कह सकते हो, इनका ये कहना है। बट गाइस देखो मेरा जो कहना है ना कि यही है कि गाइस ये सिंपली से इससे पैसे निकाल रहे हैं, जितना भी पैसे इनसे निकल सकते हैं भाई इस गेम से निकाल रहे हैं और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। मतलब सिंपल सा तुम ये समझ सकते हो कि गाइस गेम कैसे भी हालात में चल रहा है, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कलेक्ट करो और उसके बाद बंद कर दो। और देखो गाइस तुम्हें भी पता है कि गाइस 0.28 अपडेट है जो कि गाइस आ जाना चाहिए, मतलब अभी के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, आ जाना चाहिए, बट उसकी भी कोई भी मतलब एक भी बीटा में ना कोई रिस्पॉन्स है ना ही ग्लोबल पे कुछ भी रिस्पॉन्स है। मतलब एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि गेम को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं भाई, वो पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं कि भाई हाँ जो भी है जैसा भी है चल रहा है, कभी मन पड़ेगा कुछ भी अपडेट उठा के डाल देंगे, भाई ऑडियंस तो है खेल लेगी नहीं खेलेगी तो क्या कर सकती है हमारा, मतलब वैसी वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है पबजी मोबाइल ने। और गाइस तुम ही बताओ भाई ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें भी तो इरिटेशन होती है कि भाई क्या कर दिया भाई हमारे गेम को इन्होंने। बट गाइस खैर देखो अभी 10 डेज को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, अब देखते हैं कुछ भी हो सकता है पता नहीं, बट जिस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिल रही तो मुझे लगता है कि भाई हाँ शायद तक पबजी वर्ल्ड में 0.28 का अपडेट आ सकता है, वरना इसके चांसेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा सा डाउन गए हैं। बाकी गाइस हाँ वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको भी बता देना कि छोटे मोटे जो अपडेट्स आ रहे हैं शायद तक कुछ भाई चेंजेस लाने वाले हैं उसके लिए हैं। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।